हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स। तो ये एक इंडस्ट्री है जो कि पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, किसकी बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल कितने रुपए का बनता है, उसकी कॉस्ट क्या है, वाज थ्री मोर देन, थ्री ज्यादा है देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। किसी भी जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसकी कॉस्ट किस बात पर डिपेंड कर रही है, वो क्या है, थ्री मोर है, जितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके डबल से। अब इसको समझते हैं। अब सपोज करो एक दिन में 10 आर्टिकल पोल्ट्री आर्टिकल बने, एक दिन में 10 पोल्ट्री आर्टिकल बने, अब वन आर्टिकल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल या ईच आर्टिकल क्या होगी, क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर, थ्री ज्यादा है देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जितने आर्टिकल बने। मान लो किसी दिन 10 आर्टिकल बने, तो 10 आर्टिकल बने तो उनमें जो 10 आर्टिकल बने उनकी जो कॉस्ट होगी हर एक आर्टिकल की, किसी भी एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी कैसे निकलेगी, 10 आर्टिकल बने, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डबल हो गया और 3 मोर कर दिया 3, तो 20 और प्लस 3 यानी कि 23 रुपीज का वन आर्टिकल होगा। और टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 23 का वन आर्टिकल है और आर्टिकल कितने बने हैं 10, तो 230 रुपीज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। दोबारा समझते हैं, मान लो किसी दिन 15 आर्टिकल्स बने हैं, अब कॉस्ट इस बात पे, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने आर्टिकल बने हैं। अब कॉस्ट ऑफ 15 बने हैं तो ये 15 की कॉस्ट कितनी होगी, हर एक की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल या वन आर्टिकल, ईच आर्टिकल क्या होगी कॉस्ट, थ्री मोर देन डबल ट्वाइस, इसका ट्वाइस 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 और इसके 3 ज्यादा 30 और 3 33 कॉस्ट होगी एक आर्टिकल। और टोटल कॉस्ट क्या होगी प्रोडक्शन की, टोटल कॉस्ट कितने आर्टिकल बने 15, एक की कॉस्ट कितनी है 33, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आया था, सेकंड पार्ट ऐसा ही था। अब यहां से हम इसको देख लेते हैं दोबारा से, एक बार इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। यहां पे कहा गया अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 रुपीज है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब आप देखिए, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस किए, एक्स आइटम बनी है उस फैक्ट्री में, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
ऑफ ईच आर्टिकल, या सिंपली आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। आर्टिकल कितने प्रोड्यूस्ड हुए? एक्स, इसका ट्वाइस 2x और उससे 3 ज्यादा 2x। ये कॉस्ट होगी हर एक आर्टिकल की, कितने आर्टिकल बने? x। कॉस्ट क्या है हर एक आर्टिकल की? 2x प्लस 3 रुपीज। अब आल्सो क्या गिवन है हमारे पास? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? वह है रुपीज 90। उस दिन की टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन की वो 90 है। इतने रुपए का एक आर्टिकल है, इतने आर्टिकल बने, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एक्स आर्टिकल बने, एक आर्टिकल इतने रुपए का है 2x प्लस 3, देखो 5 आर्टिकल बने, एक आर्टिकल 13 रुपीज का है, तो टोटल कितना खर्चा आ गया होगा, कितनी कॉस्ट आनी होगी? 13 की और 5 की मल्टीप्लाई 65 रुपीज कॉस्ट आनी होगी। ठीक है, इतने बने हैं इतने रुपए का, एक है दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और वो टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है? 90 के इक्वल है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए हम यहां पे लिख लेते हैं कि इसका सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए 3 और प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 90 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ जाएगा माइनस 180। तो सम तो हमारे पास 3 है और प्रोडक्ट माइनस 180 है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या कैसे करें, 180 पे जा रहे हैं हमें, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब सपोज करो हम 40 और 43 ले लें, 40 और 43 ले लें, तो 0 तो मैं ऐसे ही लगा देता हूं, इसकी हिसाब करेंगे तो 12 से 2 बनेगा, 1 कैरी 16 और 1 17, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा 180 के आसपास पहुंचना है हमें, तो 180 के आसपास पहुंचना है, तो हम अगर हम 20 और 18 ले या 17 ले तो ये 340, ये भी अभी बहुत ज्यादा है। अब अगर हम 15 और 12 ले, क्योंकि ऐसा भी सोचो ना जिससे 0 आ जाए, इसकी करके देखें अगर, तो 12 60 से 06, ठीक है ये हो जाएगा हमारे पास, 15 के 12 की करते हैं तो 180 आ जाता है और सम 3 होना चाहिए, तो ठीक है ये हमारे पास, हम 15 प्लस कर लेते हैं और 12 माइनस कर लेते हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 180 आ जाएगा और सम करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। देखो यू कैन ट्राई, आपको सोचना पड़ेगा, तो हमने देखो यहां से जब हमने इसके बारे में सोचा, मैंने लिए इस तरह के टर्म्स जिससे कि हमें लास्ट में तो कम से कम 0 मिलेगा कि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ बहुत बड़ा हो गया। फिर हमने एक और सोचा, फिर वो भी इसी तरह था, तो फिर हमने एक और सोचा तो उसके पास पहुंच गया हम, तो यहाँ पे आपको इस तरह से ट्राई करके वहां तक पहुंचना है। अब आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे इसको, क्या जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x, यहां पे कर लेते हैं 2x स्क्वायर 3x क्या जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 15x माइनस 12x और माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 0। इसकी जगह पे हमने ये लिख दिए 15x माइनस 12x। अब यहां से x कॉमन, 2x प्लस 15 माइनस, अब यहां से देखो आप कितना कॉमन आएगा, 12 पे तो दोनों कटते नहीं है, 6 पे हो जाएगा, तो यहां पे अगर मैं 6 कॉमन लू माइनस का
तो यहाँ 2x आ गया, ये माइनस का प्लस हो गया और ये 15 आ गया। ये दोनों वैसे भी सेम आने चाहिए थे, तो ये 2x प्लस 15 और ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 दैट इज 0, 2x इज माइनस 15, x इज माइनस 15 डिवाइड बाई 2, x माइनस 15 डिवाइड बाई 2। x क्या चीज था? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। नेगेटिव आर्टिकल कैसे प्रोड्यूस होंगे? तो इट मींस इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ तो बने ही होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ तो आर्टिकल बने होंगे, ये तो नेगेटिव हो गया तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। यहां से x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6, तो ये ठीक है हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। तो यहां से पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, सो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट इज इक्वल टू x था, ये कितना आ गया 6, तो 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहां पे लिखेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल ये पूरा ही लिख दें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है वो 2x प्लस 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपीज। तो ये हमारे पास इसके आंसर है। आप चेक कर लें, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, एक की कॉस्ट 15 है, तो टोटल कॉस्ट 90 रुपीज होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 था। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और यहां पे हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसे बहुत अच्छे से आप करें, लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक के, ये मेन टॉपिक तो है ही हमारा, इसके अलावा भी और बहुत सारे दूसरे टॉपिक में भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।